के कैबिनेट द्वारा 12 नामों पे चर्चा करके जो निश्चित करने का काम किया गया था सन्माननीय मुख्यमंत्री के सिफारिश पत्र के साथ महामहिम राज्यपाल जी को हमने सुपुर्द करने का काम किया। आशा करते हैं कोविड की वजह से ऐसे ही लगभग कुछ समय बीत गया है और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय सारी चीज़ों की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करेंगे और 12 लोगों को नियुक्त करेंगे ताकि 12 लोग अपना काम करें। सर, आपको लगता है कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करने का काम सरकार ने किया। कैबिनेट में एक सप्ताह पहले चर्चा हुई, कल कैबिनेट के मिनट मीटिंग में मिनट्स फाइनल की गई और आज मुख्यमंत्री के पत्र के साथ राज्यपाल महोदय को सिफारिश पत्र हमने दिया है। निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया उन्हें देखनी है, जांच करनी है, वो करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय इन 12 लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द करेंगे। सर, बातचीत क्या हुई जब आपने पत्र सौंपा, तो क्या कुछ आश्वासन दिया, कुछ बोला, कब तक रिप्लाई करेंगे, कुछ तो बात हुई होगी? नहीं, राज्यपाल महोदय से मुलाकात की, गर्म जोशी से वो मिले, हम लोगों के साथ बैठ के उन्होंने जलपान किया और निश्चित रूप से वे राज्यपाल महोदय एक कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कानून और संविधान के दायरे में काम करने की है। हमें लगता है वो निश्चित रूप से इन नामों पे फैसला करके जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। इन 12 नामों में बहुत बड़ी तरह से गुप्तता की गई है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि अभी जब तक राज्यपाल महोदय नामों को घोषित करना, वो उनकी जिम्मेदारी है। कैबिनेट का काम है चर्चा करना, कैबिनेट का काम है चर्चा करके मुख्यमंत्री को अधिकार देना कि वे नामों की सिफारिश करें। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की है, अब मुख्यमंत्री महोदय के पत्र से नाम राज्यपाल महामहिम महोदय के पास भेजा गया है, वो मंजूरी देकर उसका नोटिफिकेशन वो निकालेंगे। उनके अधिकारों का हनन हम नहीं करना चाहते। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।